हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो नेचर के लिए कैसे हार्मफुल है या नहीं हार्मफुल है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी बात इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल कंसेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं CFC। ये एक ओजोन डिप्लेटिंग, इस कैटेगरी के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट आते हैं वो ओजोन डिप्लेटिंग होते हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन सेकेंड कैटेगरी होता है SCFC, ये भी ओजोन डिप्लेटिंग कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट आते हैं वो भी हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं, वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन थर्ड कैटेगरी है HFC, इस कैटेगरी में जो भी रेफ्रिजरेंट आते हैं वो हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो सब ये होने के बाद आप देखते हैं कि हमारा ओजोन लेयर कैसा होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्या है। तो आप देख सकते हैं ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर स्पेस में नियर अबाउट 12,000 miles एवो फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक ओजोन का लेयर होता है। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में, आप देख सकते हैं ये ओजोन लेयर है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ये स्पेस है और ये सन है। तो क्या वो पता है कि जब सन से लाइट निकलता है, रेडिएशंस जैसे कि यूवी लाइट और उसके साथ से रेडिएशन जो निकलते हैं, तो जब ये यूवी लाइट से इधर ओजोन लेयर से पास होते हैं तो इस लाइट के अंदर जो भी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं जैसे कि यूवी और अदर जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं वो क्या करता है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें क्लीन रेडिएशन होता है, जो क्लीन लाइट होता है वो हमें अर्थ सरफेस पर भेजता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो हम अर्थ सरफेस पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं CFC और SCFC, उसके अंदर क्लोरीन एटम होता है। वो क्लोरीन एटम जब इस ओजोन लेयर के पास पहुंचता है तो क्या करता है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं वो डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं और हमारे पेड़ पौधे और इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो भी CFC और SCFC रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने बैन लगाया है कि उनको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं CFC के। सबसे पहले हम देखेंगे CFC इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर, इन रेफ्रिजरेंट्स के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन एटम क्या होता है, हमारे ओजोन डिप्लीटिंग है, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। इसको हम लोग फ्रियोन भी बोलते हैं। इस कैटेगरी में जो भी रेफ्रिजरेंट आता है उनको हम फ्रियोन भी बोलते हैं। इसको 1996 से बैन कर दिया गया, इस कैटेगरी के जो भी रेफ्रिजरेंट है उनको 1996 से बैन कर दिया गया है क्योंकि ये ओजोन डिप्लीटिंग है, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, इसके एग्जांपल है R11 एंड R12। देन हमारा सेकंड कैटेगरी आता है HCFC। तो इसका फुल फॉर्म होता है HCFC का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जैसे आपको नाम को पता चल रहा है इसके अंदर हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर भी क्लोरीन है। तो इस कैटेगरी के अंदर भी जो भी रेफ्रिजरेंट आते हैं वो हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है और क्लोरीन क्या करता है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, लेकिन अगर देखें तो ये CFC से कम हार्मफुल होता है, हमारा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को CFC रेफ्रिजरेंट। ये SCFC का आता है, CFC से थोड़ा कम हार्मफुल होता है। ओके, इसका फेमस एग्जांपल है R22 जो आज भी हमारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कूलिंग सिस्टम के लिए एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। इसको R22 को 2030 तक बैन करने का प्लान है, मीन्स आफ्टर 2030 इस R22 को यूज नहीं किया जाएगा।
ओके देन हमारा थर्ड कैटेगरी आता है एचएफसी। तो एचएफसी का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जैसे आप नाम से देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड कार्बन का एटम्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, तो ये क्लोरीन फ्री है, इसलिए क्या है ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ओके और इसको हम लोग थर्ड जनरेशन रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं, मीन्स एडवांस रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर क्लोरीन नहीं होता है, तो जैसे क्या वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। और ये बेस्ट अल्टरनेटिव है फॉर सीएफसी एंड एससीएफसी। और इसके फेमस एग्जांपल्स है जैसे कि R32, R134A, R404A एंड R410A, जो हमारे न्यू एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेटर आते हैं उसके अंदर मोस्टली ये R134A गैस यूज किया जाता है। ओके क्योंकि ये इसके ये क्लोरीन फ्री होता है, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। और ये जो भी गैस है मोस्टली हमारे रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं। ओके तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।